हेलो, इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की पढ़ाई जारी रखते हुए जो नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होते क्या है। वेल, इक्विवेलेंस रिलेशन हम इन तीन रिलेशंस के टर्म्स में समझ सकते हैं। और इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो जब भी कोई गिवन रिलेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट इज वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो उस रिलेशन को हम कहेंगे एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आइए देखते हैं एग्जांपल इक्विवेलेंस रिलेशन का। वेल, एग्जांपल यहाँ पे है कि एक रिलेशन आर कुछ इस तरह डिफाइंड है कि वो इन दो ऑर्डर्ड पेयर्स पे ऑपरेट करता है। तो अब ये रिलेशन आर इन दो ऑर्डर्ड पेयर्स पे ऑपरेट करता है और वो ऑपरेशन इस तरह डिफाइंड है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये हुई डेफिनेशन इस रिलेशन की। तो अब हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। हमने देखा था कि इस रिलेशन का इक्विवेलेंस होने के लिए वो रिफ्लेक्सिव होना, सिमेट्रिक होना और ट्रांजिटिव होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। तो आइए रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं इस रिलेशन के लिए। अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमने देखा था कि अगर एक एलिमेंट अल्फा है, तो अगर रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो हमें चेक करना होगा कि अल्फा इज रिलेटेड टू अल्फा और नॉट। तो अब हम चेक करेंगे कि अल्फा इज रिलेटेड टू अल्फा और नॉट। तो अब हम मान लेते हैं हमारा अल्फा है ए कॉमा बी। तो हम मान लेते हैं कि हमारा अल्फा है ये ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। तो अब हमें चेक करना है कि ए कॉमा बी रिलेटेड है ए कॉमा बी से या नहीं। तो हमें चेक करना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर उसी ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है या नहीं। अब ये रिलेशन फाइंड करने के लिए हम ये डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन देखेंगे। हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक रिलेशन आर है बिटवीन ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी, तो उसका मतलब है कि ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब ए प्लस डी इक्वल हो बी प्लस सी से। तो यहां हम फिर लिख लेंगे कि ए प्लस डी इक्वल होने चाहिए बी प्लस सी से। अब यहां पर अगर आप चेक करो तो ए और बी तो सेम ही है, लेकिन अगर आप ये ऑर्डर पे चेक करो तो हमारा सी हो गया ए और हमारा डी हो गया बी। तो जहां भी हमें सी दिखेगा उसे हम रिप्लेस कर देंगे ए से। तो इस सी को रिप्लेस कर दिया ए से, तो हमें मिला इस सी के जगह पर ए। अब बी तो बी ही है, इसीलिए बी को तो ऐसे ही रखेंगे हम, इस प्लस साइन को भी वैसे ही रखेंगे, इक्वल टू भी वही रहेगा। और अगर आप इस टर्म डी को देखो तो हमारा जो डी था वो अब बन गया है बी, क्योंकि इस दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा कोऑर्डिनेट है बी, तो डी इज इक्वल टू बी। तो इसीलिए हम यहाँ पे डी के जगह पर बी लिखेंगे। और ए तो ए ही है, इसीलिए हम लिखेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और हमें ये कंडीशन चेक करनी है, लेकिन नोट कीजिए कि ये कंडीशन तो ट्रू है बिकॉज एडिशन ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। इसीलिए अगर ए प्लस बी मान लो तो वो बी प्लस ए के इक्वल ही होगा। तो अब हमने चेक कर लिया है कि ये कंडीशन वाकई में होल्ड करती है, तो इसीलिए ये जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हमने चेक कर लिया कि ये गिवन रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि अल्फा इज रिलेटेड टू अल्फा। यहाँ पे हमारा अल्फा था ए कॉमा बी, तो हमने देखा कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, और इसीलिए हमने कहा कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्री चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस कंडीशन को फिर से लिख लेंगे। नाउ ये कंडीशन लिखने पर हमें मिलेगा ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये कंडीशन हमने फिर से दोहरा के वहां लिख ली है। तो अब हम देखेंगे कि ये गिवन रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्री के लिए कंडीशन है कि अल्फा रिलेटेड टू बीटा शुड इंप्लाय कि बीटा इज ऑल्सो रिलेटेड टू अल्फा। तो अब हमें ये कंडीशन चेक करनी है। नोट कीजिए कि अब हमारा अल्फा हो जाएगा ए ए कॉमा बी, तो हम अल्फा को मान लेते हैं ए कॉमा बी है, और हम रिलेशन के आर को वैसे ही लिखेंगे, और हम मान लेंगे कि सी कॉमा डी है हमारा बीटा। तो हमने अल्फा और बीटा तो चेक कर लिया, और अब हमें चेक करना है कि ये इंप्लाई करता है कि बीटा इज रिलेटेड टू अल्फा या नहीं। अब बीटा तो हमारा सी कॉमा डी है और अल्फा है ए कॉमा बी, तो हम उसी को दोहरा रहे हैं, और हमें चेक करना है कि ये इम्प्लीकेशन होल्ड करता है या नहीं। अब ये इम्प्लीकेशन होल्ड करने के लिए हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। अब इम्प्लीकेशन के पहले जो टर्म आता है वो हम ट्रू मान लेते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये रिलेशन ट्रू है। तो ये जो पार्ट ट्रू हमने अज्यूम कर लिया है, तो अब इससे हमें मिलेगा कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी।
तो अब इस पार्ट से हमें मिल रहा है कि a plus d is equal to b plus c, because ये रिलेशन ही ऐसे डिफाइंड है. और अब हमें चेक करना है कि इसके लिए भी ये रिप्रेजेंटेशन ट्रू होता है या नहीं. तो हमें अब चेक करना है कि ये दो c plus b, अब हम चेक करेंगे कि c plus b equal है d plus a से या नहीं. नोट कीजिए कि यहाँ पर हम ये आखिरी दो कोऑर्डिनेट्स को कंबाइन कर रहे हैं, तो a और d को कंबाइन कर रहे हैं, और हम चेक कर रहे हैं कि वो b और c के इक्वल है या नहीं. अब यहाँ पर आखिरी दो टर्म्स है c और b, तो हम चेक करेंगे c plus b इक्वल है ये दो बीच के टर्म्स के सम के जितना या नहीं. तो हमें चेक करना है कि c plus b is equal to d plus a या नहीं. तो ये अभी हमें चेक करना है. नोट कीजिए कि जब a plus d is equal to b plus c, हम इसे ऑल्टरनेट वे में लिख सकते हैं कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस b plus c को हम c plus b भी लिख सकते हैं, और इस a plus d को हम d plus a भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव है. और अब अगर इस इक्वालिटी को हम अदल बदल कर दे, तो इक्वालिटी तो है, तो इसलिए इसे भी हम यहां ला सकते हैं और इसे हम उस साइड ले जा सकते हैं. तो हम कहेंगे कि c plus b is equal to d plus a, और एग्जैक्टली यही रिजल्ट तो हमें यहां पे प्रूव करना था, और हमने चेक कर लिया कि c plus b indeed d plus a के इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई. तो इसीलिए ये जो इंप्लीकेशन है वो इंप्लाई करता है कि ये इंप्लीकेशन भी ट्रू है. तो अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करती है, तो ये रिलेशन भी एग्जिस्ट करती है बिटवीन c एंड d एंड a एंड b. तो अब हम कहेंगे कि ये सिमेट्री की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, और हम अब कहेंगे कि ये जो गिवन रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है. तो सबसे पहले हमने देखा था कि ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो था ही, फिर हमने देखा कि ये गिवन रिलेशन सिमेट्रिक भी था. तो यहां पे भी हम दो चेक मार्क्स डाल देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है जैसे हमने फाइंड कर लिया है. और अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी. तो आइए देखते हैं कि ये गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं. अब हमें ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करना है कि ये गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं. अब ट्रांजिटिविटी के लिए हम जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमारे पास अगर एक रिलेशन R है, तो अगर अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा एंड इन एडिशन टू दैट बीटा इज ऑल्सो रिलेटेड टू सम गामा, देन दैट शुड इम्प्लाई कि अल्फा शुड बी रिलेटेड टू गामा. तो अब हमने देखा कि अगर अल्फा और बीटा रिलेटेड है, और बीटा और गामा भी रिलेटेड है, तो अल्फा और गामा भी रिलेटेड होने चाहिए उस रिलेशन का ट्रांजिटिव होने के लिए. तो अब हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है या नहीं. अब फिर एक बार हम सेट करेंगे अल्फा और बीटा. हमारा अल्फा होगा ए कॉमा बी, हमारा बीटा होगा सी कॉमा डी, और अब हम एक नया टर्म गामा इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसे हम कोई भी वेरिएबल वैल्यू ले सकते हैं. तो हम गामा को कहेंगे एफ कॉमा जी. तो अब हमारे पास ये तीन ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, और अब हम उन ऑर्डर्ड पेयर्स को इस प्रॉपर्टी के लिए चेक करेंगे. अब नोट कीजिए कि सबसे पहले तो अल्फा शुड बी रिलेटेड टू बीटा. तो अगर इसे हम सब्स्टिट्यूट करें, तो हम लिखेंगे कि ए कॉमा बी शुड बी रिलेटेड टू, नाउ बीटा इज सी कॉमा डी, तो ए कॉमा बी शुड बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी. और हम इसे अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इंप्लीकेशन के पहले आता है. तो ये अगर ट्रू है, तो इसका मतलब हुआ कि a plus d should be equal to b plus c. तो हम लिखेंगे कि a plus d हमें पता है अब is equal to b plus c, क्योंकि ये implication हमने true मान लिया है. इसी तरह अगर हम ये दूसरा statement देखें and के बाद, तो हमें मिलेगा beta is related to gamma. अब beta है c comma d, तो हम यहाँ पे लिखेंगे c comma d, और ये relation r वैसी रहेगा, और हमारा gamma है f comma g, तो यहाँ हम लिखेंगे f comma g. और अब हम इसे भी मान लेंगे ट्रू, क्योंकि ये हमारे इम्प्लीकेशन के पहले आता है. तो हमें चेक करना है कि अगर ये दो ट्रू है, तो ये ट्रू है या नहीं. तो इसीलिए ये अगर ट्रू है, तो हम इससे लिखेंगे कि c plus g should be equal to d plus f. तो यहाँ हम लिखेंगे कि c plus g should be equal to d plus f. तो हमें ये दो इक्वालिटीज मिल गए, और अब हमें चेक करना है कि अल्फा इज रिलेटेड टू गामा और नॉट. तो हमें जो चेक करना है वो हम यहाँ लिखेंगे इस कॉलम में, और जो हमें चेक करना है वो है कि अल्फा इज रिलेटेड टू गामा और नॉट. तो हमारा अल्फा था ए कॉमा बी, तो हमें अब चेक करना है कि ए कॉमा बी रिलेटेड है गामा से या नहीं, और गामा है एफ कॉमा जी. तो हमें ये रिलेशन अभी चेक करना है. अब नोट कीजिए कि ये अगर ट्रू होगा, तो ये ट्रू होने के लिए हमें चाहिए कि ए प्लस जी शुड बी इक्वल टू बी प्लस एफ. तो हमें चेक करना है कि ए प्लस जी बी प्लस एफ के इक्वल है या नहीं. अब हम ये कैसे चेक करेंगे? वेल, नोट कीजिए कि हमारे पास ये दो इक्वालिटीज है, तो इसीलिए अगर हम ये दो इक्वालिटीज को ऐड कर लें, तो हमें मिलेगा, नोट कीजिए कि हम इसे ऐड कर रहे हैं इसके साथ, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा a प्लस डी प्लस सी प्लस जी.
नोट कीजिए कि हमने इस टर्म को इस टर्म से ऐड कर लिया है और इसीलिए राइट हैंड साइड भी हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा b प्लस सी प्लस डी प्लस एफ। तो यहां हम लिखेंगे b प्लस सी प्लस डी प्लस एफ। तो हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया इन दोनों इक्वेशंस के। और अब नोट कीजिए कि यहां पर कुछ वेरिएबल्स कॉमन है, तो हम अगर d को स्ट्राइक आउट कर ले दोनों साइड से और इसी तरह अगर c को भी स्ट्राइक आउट कर ले दोनों साइड से, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचता है वो कुछ इस तरह है। हमारे पास रह जाता है कि a प्लस जी इज इक्वल टू बी प्लस एफ। अब यहां पर यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव ऑलरेडी कर लिया है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है या ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है और इसीलिए ये रिलेशन ट्रू है। और इसीलिए हम कहेंगे कि ये इंप्लीकेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो गिवन रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा के वैल्यूज के लिए ये ट्रांजिटिव प्रूव हो गया है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो अब हमने देखा कि ये जो गिवन रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव तो था ही, उसके साथ सिमेट्रिक भी था, और अब हमने देख लिया कि वो ट्रांजिटिव भी है। और जब कोई भी रिलेशन साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो अब हमने देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है कि जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, और इसीलिए ये एग्जाम्पल हुआ एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो अब हमने देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, और अब हमने इक्विवेलेंस रिलेशन का ये एग्जाम्पल भी देख लिया है।